Give me a pure heart, humble heart, sincere heart to follow you. Son of David, mercy upon me. Locate me in your presence, in your eyes. I'm yours forever. सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। परमेश्वर ने जो वचन आज मुझे आपके लिए दिया वो सिर्फ आपके लिए है, और यदि इस चुनाव में कोई और भी होगा तो वो आ जाएगा। आप लोग आनंदित हैं? लय व्यवस्था 26 अध्याय 3 और 4 पद, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 3 और 4। परमेश्वर अपने दिल को आज आप पर जाहिर करना चाहता है। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया वो वाकई आपसे बातें करेगा। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में परेशानी आने देता है? लय व्यवस्था 26 अध्याय 3-4 पर प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। ये पद परमेश्वर के दिल का करार है अपने लोगों के लिए कि यदि परमेश्वर ये कहता है कि हम अगर उसकी विधियों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो ऐसा करने से परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर समय समय पर आनंद की वर्षा हमको देगा और हमारी भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। इंसान जो अपने परमेश्वर के वचन पर अपने कान को लगाता है, मनुष्य जिसका संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा परमेश्वर की आवाज पर लगी रहती है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे जीवन की किसी भी भली वस्तु की घटी से होकर नहीं जाने देता। समय समय पर वो उसके लिए शांति देने वाली वर्षा को बरसाएगा। सेकंड ब्लेसिंग, यदि हम परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, 11 और 12 पद में इस प्रकार लिखा है, लेविटिकस 26 11 एंड 12 वर्स, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जो मेरे नियमों को मानकर चलेंगे, ना सिर्फ उनके जीवन में मैं आशीषों की वर्षा समय पर गिराऊंगा, ना सिर्फ उनकी भूमि की उपज को उपजाऊंगा और ना सिर्फ मैं उनके वृक्षों में फल लेकर आऊंगा, मगर मैं खुद उनके साथ रहूंगा। I will dwell in their spirit. मैं उनकी आत्मा में खुद बसूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में परमेश्वर ने इंसान के अंदर बसने के लिए कहा है कि यदि तुम मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय का दरवाजा खोलोगे, मैं उसके भीतर आकर वास करूंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। इस पृथ्वी पर एक इंसान के लिए इससे बड़ी और कोई आशीष नहीं है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी और अपने बनाने वाले परमेश्वर के साथ एक सुपर नेचुरल रिश्ते को प्राप्त करे। आज दुनिया के लोग बड़े बड़े लोगों के साथ चलना चाहते हैं, उनको नाम दिया जाता है बड़े लोग, फेमस लोग, मगर बाइबल कहती है परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, उससे अद्भुत कोई नहीं,
उससे ज्यादा महान और विशाल और उससे ज्यादा शान और शौकत रखने वाला और कोई नहीं। यदि इंसान के जीवन में कोई सबसे बड़ी आशीष है तो वो है परमेश्वर के साथ उसका पर्सनल अटैचमेंट, उसका व्यक्तिगत रिश्ता जो परमेश्वर के साथ ऐसा है।